राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति पांडे और आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब उपाध्यक्ष के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बुधवार को उपाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल होना है। स्पीकर चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी उतारे जाने की रणनीति के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद को अपने पास रखने पर विचार मंथन कर रही है। पार्टी से नाराज चल रहे किसी विधायक को कांग्रेस यह पद दे सकती है। शोयोपुर बदमाशों में वर्दी का खौफ और लोगों को तत्काल पुलिस की मदद मिले, इसलिए शोयोपुर पुलिस ने पूरे जिले में चौकियों का जाल बिछाया। जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस चौकियों खुलने के बाद क्राइम का रेट और ज्यादा बढ़ गया है। वाहन चोरी से लेकर लूट डकैती की घटनाएं और भी बढ़ गई है। इंदौर भ्रष्टाचार कर करोड़ों की संपत्ति खड़े होने वाले अधिकारी भूल जाते हैं कि कोर्ट के आदेश पर यह राजसात की जाती है। मध्य प्रदेश में इसके लिए अलग से कानून बन गया है। इंदौर से दो अलग अलग मामलों में यह संपत्ति जब्त हो चुकी है। 19 नवंबर 2009 को लोकायुक्त ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री अरविंद तिवारी के यहाँ छापा मार कर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया था। भोपाल मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें कर्ज माफी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए रखे गए तो मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यापक, शिक्षा कर्मी और संविदा शाला शिक्षकों के मानदेय के लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम किया गया। फसल बीमा योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए और फ्लैट भावांतर भुगतान के लिए 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अनुपूरक बजट पर 10 और 11 जनवरी को सदन में चर्चा होगी, इसके बाद इसे पारित किया जाएगा। रायपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से छोटे राज्यों को केंद्र सरकार से ज्यादा मदद मिल रही है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ देश में 10वें नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए यहां अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास को पहुंचने की चुनौती ज्यादा है, इसलिए अधिक राशि की भी जरूरत होती है। चाहे बिजली के खड़े खम्भे किए जाए या पक्की रोड बनवाई जाए या फिर कोई और काम, समय और राशि दोनों ज्यादा लगते हैं। रायपुर अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उस वक्त सदन का माहौल गर्मा गया जब विपक्षी विधायक सत्ता पक्ष पर अपमान का आरोप लगाते हुए गर्भगृह पहुंच गए। कर्ज माफी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन वॉकआउट के बाद जैसे विपक्ष सदन में वापस लौटा तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार ठाका लगा दिया। रायपुर उल्ला थाना क्षेत्र के बाना गाँव के पास खारून नदी में 15 दिसंबर की सुबह मिली कुमारी देववंती पिता गजरूप मरकाम की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। देववंती की हत्या उसके प्रेमी यशवंत कुमार ने दुपट्टे से गला घोटकर की थी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए यशवंत ने साधी मजदूर रमेश कुमार की मदद ली थी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद से दोनों रावा भाटा और सिलदारा की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जयपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक गुलाब चंद कटारिया का विवादित बयान सामने आया है। समुदाय विशेष पर भड़ास निकालते हुए कटारिया ने हिंदुओं को एकजुट होने और देश हित में भाजपा को वोट करने को कहा है। नई दिल्ली एम्स में मरीजों के बढ़ते दबाव और सर्जरी की लंबी वेटिंग को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल प्रशासन 2 पारियों में सर्जरी शुरू करने का विचार कर रहा है। इसको लागू होने पर सर्जरी का समय 3 घंटे बढ़ जाएगा। ऐसे में रोज 3 घंटे सर्जरी हो सकेगी, साथ ही सर्जरी की वेटिंग भी घटेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर इसके लिए पूरी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन डॉक्टरों को राजी करना एम्स प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय होगा। नई दिल्ली अयोध्या में रामराज्य भूमि विवाद में पेश होने वाले वकीलों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ गठित करने जा रहा है। यह पीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। मंगलवार को सभी पक्षों के वकीलों ने कहा कि उन्हें इस बात का जरा भी संकेत नहीं था कि इस मामले को संविधान पीठ पर सौंप दिया जाएगा। 2 वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि हमें यही लग रहा था कि 3 जजों को ये केस सौंपा जाएगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।